हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है हिमालय की बेटियाँ और लिखा है इसे नागार्जुन ने। तो इसके आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस बता रही हूँ। इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी हिमालय की बेटियाँ पाठ का नाम है और लेखक का नाम है नागार्जुन। उसके बाद क्वेश्चन आता है लेखक ने किन्हें दूर से देखा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीन, हिमालय से निकलने वाली नदियों को लेखक ने दूर से देखा था। प्रश्न है नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, घाटियों में, नंगी पहाड़ियों पर, उपत्यकाओं में। तो तीनों में यानी उपर्युक्त सभी। सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी का नाम पाठ में नहीं आया है, आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न आता है बेतवा नदी को किसकी प्रेसी के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर सही उत्तर है मेघदूत। प्रश्न है लेखक को नदियाँ कहाँ अठखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो हिमालय की गोद में लेखक को नदियाँ अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं। अटखेलियाँ जो बच्चे बचपन में अपनी शैतानियाँ छोटी मोटी शैतानी करते हैं उसे कहा जाता है। तो लेखक यहाँ नदियों को हिमालय की गोदी में अटखेलियाँ करते हुए पाता है। उसके बाद प्रश्न आता है लेखक ने नदियों और हिमालय का रिश्ता कहा है, किसका कहा है कि नदी और हिमालय का रिश्ता क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर है पिता और पुत्री का रिश्ता। नदियाँ पुत्रियाँ हैं और हिमालय पिता हैं, तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है लेखक किस नदी के किनारे बैठा था। यहाँ पर लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठा था, तो इसलिए सही जवाब है ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर सतलुज नदी के किनारे लेखक बैठा हुआ है। अगर आपको इसी तरह की क्वेश्चन आंसर किसी और पार्ट के भी पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं फिर उसके प्रश्नोत्तर बना करके आपको वीडियो पब्लिश करूँगी।